हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हैमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी का एक टॉपिक है अबॉर्शन या मिस इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तो अबॉर्शन क्या होता है कि ट्वेंटी वीक ऑफ जस्टेशन से पहले अगर कंसेप्शनल प्रोडक्ट यूटेराइन वॉल से सेपरेट होके वेजाइनल ट्रैक्ट के, के थ्रू एक्सपल आउट हो जाता है या बाहर आउट हो जाता है तो उसे अबोर्शन कहते हैं ठीक है तो इस अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं अबोर्शन और मिसकेरेज इज दे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर ट्वेंटी वीक ऑफ जस्टेशन और फीटस बोर्न विंग लेस देन फाइव हंड्रेड ग्राम मीन्स अबोर्शन या मिस कैरेज एक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है जिसके अंदर फिटस uh, uh, का ट्वेंटी वीक से ट्वेंटी वीक ऑफ जस्टेशन से पहले या फिर उसके पाँच फाइव हंड्रेड ग्राम वेंग वेट से बिफोर उसका टर्मिनेशन हो जाना अबोशन कहलाता है एंड इसका इंसिडेंस रेट क्या है अबाउट टू ट्वेंटी ऑफ ओल कंसेप्शनल एंड इन मिसकेरेज मतलब ओल्ड कंसेप्शनल एज्स जो सारी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से टेन टू ट्वेंटी परसेंट का मिसकेरेज हो जाता है अब इसके देखते हैं हम टाइप्स तो ये टू टाइप्स का होता है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूज तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस में देखते हैं थ्रेटेंड अबोर्शन इनएविटेबल कंप्लीट, इनकंप्लीट, इनकम्प्लीट मिस्ड सेप्टिक एंड सेकेंड इंड्यूस्ड में लीगल एबोर्शन जिसको एम टी बी भी बोलते हैं एंड इलीगल अबोर्शन अबॉर्शन जिसमें सेप्टिक अबोर्शन इंक्लूड होता है देन हम देखते हैं कि अबोटस अबोटस क्या होता है एक्सपल्ड एम्ब्रियो और फीटस बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी कोल्ड अबोटस मीन्स जो वायबिलिटी पीरियड से पहले किसी एम्ब्रियो या फीटस जो एक्सपल्ड आउट हो रहा है उसको हम अबोटस बोलते हैं ठीक है थीके? इसकी इटियोलॉजी या कॉज क्या है क्या क्या होते हैं अबोशन के वो देखते हैं हम तो फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर फिफ्टी परसेंट ऑफ मिस कैरेज इज ड्यू टू एज के अकॉर्डिंग जो फीटस है उसमें जो कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण भी एबोर्सन हो सकता है और मेनली क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी 16 सिक्सटीन सिक्सटीन जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होना इसका मेन कॉज माना जाता है ठीक है सेकेंड इज एंडोग्राइन एंड मेटाबोलिक डिसऑर्डर डेफिशियंसी प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन और पुअर एंडोमेट्रियल रेस्पॉन्स टू प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसका सिक्रीशन कम हो या फिर जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोजेस्ट्रोन के लिए रेस्पॉन्स कम करे तो इसमें भी हम आबोर्सन हो सकता है और पी मतलब पी की सिचुएशन में प्रोजेस्ट्रोन का सिचुएसन कम होता है एंड थायराइड अब्नॉर्मैलिटी थायराइड अब्नॉर्मैलिटी में हाइपो एंड हाइपर थाराडिज्म दोनों कंडीशन में अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं डायबिटीज मलाइटस दैट पुअरली कंट्रोल्ड मीन्स दो सीवियर टाइप ऑफ डायबिटीज मलाइटस होता है जो जिसको पुअरली कंट्रोल्ड किया जाता है उसमें भी अबोर्शन के चांसेस होते हैं एंड ल्यूटियल फेस डिफेक्ट डिफिशेंसी ऑफ प्रोजेस्ट्रोन मतलब ल्यूटियल फेस डिफेक्ट के कारण भी प्रोजेस्ट्रोन का की डिफिशेंसी हो जाती है ठीक है ये वाला उसमें जो एंडोक्राइन फैक्टर है उसमें इंक्लूड होगा थर्ड वन देखते हैं एनाटॉमिकल वेरिएशन एनाटॉमिकल वेरिएशन में क्या देखते हैं हम कि यूट्रस से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसमें देखते हैं सर्वाइकल इन कॉम्पिटेंस मीन सर्वाइकल का प्रॉपर क्लोजर नहीं होना एंड कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन मीन्स यूट्रस का यूट्रस के फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट होना जैसे बाइकॉर्नोट या सेप्टेट यूट्रस होना ठीक है सब सब सेप्टेट यूट्रस होना ठीक है जिससे क्या होगा कि अबोर्शन होने के चांसेस होते हैं एंड यूटेराइन फाइब्रोड मींस यूट्रस में कोई फाइब्रोइड होना देन फोर्थ वन इज़ इन्फेक्शन इन्फेक्शन मीन्स कि कोई मदर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जैसे क्लाइमेडिया नाइजीरिया या स्टेप्टोकाई ठीक है या फिर सिफिलिस या टॉर्च एंड एच आई वी भी इसका कोज हो सकता है ठीक है देन फिफ्थ इज प्री मेच्योर अपचर ऑफ मेम्ब्रेन प्री मेच्योर अपचर ऑफ मेम्ब्रेन भी इसका कोज हो सकता है देन

एनेस्थेटिक गैसेज या आर्सनिक्स भी अबोर्सन कोज कर सकते हैं एंड कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हाइपर टेंसिव डिसऑर्डर कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर एंड रिनल डिजीजेस की वजह से भी इसके कोजेस बढ़ सकते हैं अबोर्शन के नाइन्थ इज एज टीन प्रेगनेंसी और आफ्टर फोर्टी ईयर ऑफ एज ओके देन ट्रोमा फिजिकल ट्रोमा किसी भी तरह का कोई फिजिकल ट्रोमा हो जाए या फिर एनी सर्जिकल प्रोसीजर लाइक लेप्रोटोमी ठीक है लेप्रोटोमी की वजह से भी हो सकता है पैटर्नल फैक्टर मतलब फादर की तरफ से क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होगा एबोर्सन के लिए क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन स्पर्म मीन्स क्रोमोसोम का किसी भी क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी होना ठीक है इस पर में अब देखते हैं इसके एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट है इसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे असेस वाइटल साइंस असस टेकि कार्डी एंड हाइपोटेंशन इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण या हाइपोटेंशन की कंडीशन को देखते हैं क्योंकि ब्लड लॉस के कारण ये कंडीशन अराइज हो सकती है लुक फॉर पेलर एक्सेसिव ब्लड के कारण वूमन जो है वो पेल दिखाई देगी एस एस हाइपर पायरेक्शिया सेप्टिक अपोर्सन मीन्स सेप्टिक अपोर्सन में हाइपर पायरेक्शिया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सिस्टम एग्जामिनेशन ऑफ ऑल 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 सिस्टम्स जो ऑल सिस्टम्स हैं जैसे कार्डिवेस्कुलर रेस्पिरेटरी या अदर सिस्टम है उनका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे देन पर एबडोमिनल एग्जामिनेशन पर पर एबडोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या देख सकते हैं जैसे डिस्टेंशन या फिर मास या टेंडरनेस या साइज ऑफ यूट्रसम देखते हैं ठीक है सेकंड देखते हैं पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन सी द अमाउंट सोर्सेस ऑफ ब्लीडिंग ब्लीडिंग की अमाउंट एंड सोर्स को देखते हैं ठीक है इसमें इसको कैसे देखेंगे कि वल्वा वेजाइना एंड सर्विक्स को का इंस, इंस्पेक्शन करके हम ये देखते हैं कंडीशन ऑफ सर्विस सर्विस की कंडीशन को देखेंगे कि कोई लोकल लीजन तो प्रजेंट नहीं है सर्विस पे टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ठीक है ब्लीडिंग के टाइप एंड ब्लीडिंग की अमाउंट को देखेंगे देन पी वी एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जेंटली वेजाइनल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म टू सी द स्टेट ऑफ द सर्विक्स मतलब जेंटली पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे उसमें सर्विक्स की क्या स्टेट है वो हम देखते हैं कि सर्विक्स प्रॉपर क्लोज है या ओपन है वो देखते हैं कि सर्विक्स अगर क्लोज होती है तो वो थ्रेटेंड या मिस्ड ऑबरसन का उसमें चांस होता है एंड पार्शियली ओपन होती है तो वो इनएविटेबल एंड इनकम्प्लीट अबोर्शन हो सकता है देन फोर्थ वन इस देखते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन लैब इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ठीक है जो वो जो पॉजिटिव आता है ठीक है अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करते हैं जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ आर एस टाइप ठीक है एच बी देख सकते हैं पेशेंट का ठीक है बीटा एस लेवल देख सकते हैं प्रोजेस्ट्रोन का लेवल देख सकते हैं ठीक है देन फिफ्थ इज यूएसजी इन अर्ली प्रेगनेंसी ट्रांस वेजाइनल स्कैनिंग बेटर देन ट्रांस एब्डोमिनल स्कैनिंग अर्ली प्रेगनेंसी में ट्रांस वेजाइनल स्कैनिंग बेटर होती है ट्रांस एब्डोमिनल स्कैनिंग से क्योंकि उसमें हम अच्छे से मतलब ओवेरी एंड

प्रेग्नेंसी के आफ्टर सिक्स वीक के बाद में फिटल पोल दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है ठीक है देन थ्रेट एंड अबोर्सन में क्या देखते हैं थ्रेट एंड में लाइव फिटस दिखाई दे सकते हैं एंड इन एविटेबल अबोर्सन में फिट डेड फिटस दिखाई देगा ठीक है इनकम्प्लीट अबोर्सन में रिटेन्ड प्रोडक्ट विद और विदाउट योग सेक इनकम्प्लीट अबोर्सन में प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कुछ दिखाई दे सकता है योग मतलब उसमें योग सेक हो भी सकता है और नहीं भी एंड कंप्लीट अबॉर्शन में यूटेराइन यूटेराविटी कैविटी एम्पटी दिखाई देगी एंड मिस्ड अबॉर्शन में डेड फिटस दिखाई देगा ठीक है तो अब हम सबसे पहले थ्रेट अबॉर्शन के बारे में पढ़ते हैं इट इज़ ए क्लिनिकल कंडीशन वेयर द प्रोसेस ऑफ अबोर्सन स्टार्टेड बट हैज़ नोट प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल थ्रेटेड अबोर्शन एक प्रकार का ऐसा क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें कि अबॉर्शन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाती है बट उस लेवल तक भी नहीं पहुंचती है जहाँ से रिकवरी इम्पॉसिबल ना हो मींस इसमें अबोर्शन कंप्लीट नहीं होता है इसमें रिकवरी पॉसिबल होती है इसमें रिकवरी हम कर सकते हैं ठीक है इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं ब्लीडिंग स्लाइटली ब्राइट रेड कलर ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग दिखाई देगी और बहुत कम कम मात्रा में वो दिखाई देगी और पेन ब्लीडिंग यूजली पेनलेस और वो ब्लीडिंग जो होगी वो पेनलेस होगी बट मे बी माइल्ड बैक एक पर कुछ माइल्ड बैक एक हो सकता है एंड डल लोअर डल पेन इन लोअर एबडोमन लोअर एबडोमन में डल पेन हो सकता है ठीक है देन इसके इन्वेस्टिगेशन देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करवाएंगे ब्लड ब्लड इन्वेस्टिगेशन में फोर एच बी हिमेटोक्रीट ए बी ओ आर एच ग्रुपिंग ओके यूरिन यूरिन एग्जामिनेशन में क्या होगा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट एंड यूएसजी यूएसजी में क्या करेंगे टीवीएस ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करेंगे एंड फिटल हार्ट रेट प्रजेंट होगी यूएस में देन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में रेस्ट शुड रेस्ट एटलीस्ट टू टू थ्री वीक ठीक है इस अबॉर्सन में क्या होता है रेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट के लिए तो पेशेंट को स्ट्रिक्टली एडवाइज करेंगे कि वो एटलीस्ट टू टू थ्री वीक का उसको रेस्ट चाहिए ही ठीक है ड्रग फॉर रिलीफ फॉर ऑफ पेन एंड स्ट्रेस उसको ड्रग्स देंगे फॉर पेन के रिलीफ के लिए एंड उसके स्ट्रेस के रिलीफ के लिए उसको देंगे डाइजिपा फाइव एम जी बी डी ठीक है अवॉइड कोइटस उसको गाइड करेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसको अवॉइड करने करने का एडवाइस देंगे द पेशेंट इज एड टू प्रिजर्व द वल्वल पैड्स एंड एनी थिंग एक्सपर्ड आउट पर वेजाइनली टू रिपोर्ट इफ ब्लीडिंग एंड पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि उसको परवेजाइनली अगर कुछ एक्सपर्ल्ड आउट उसको लगता है तो उसके लिए वो रिपोर्ट करें और ब्लीडिंग के बारे में बताए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एंड डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें प्रोग्नोसिस अब इसका प्रोग्नोसिस कैसे हो सकता है थ्रेट अबोर्शन वन थर्ड केसेस प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड थ्रेट अबोर्शन में के वन थर्ड केसेस ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं मीन्स उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है तो वो इन एविटेबल अबोर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगे ठीक है? और टू थर्ड केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हो जाती है, but can lead to labor, placenta previa and IUGR और fetal anomalies, but ऐसी pregnancy जो कंटिन्यू हो जाती है उसमें ये प्री टर्म लेबर या फिर प्लेसेंटा प्रीविया या आई और मीन इंट्रा यूटर ग्रोथ रिटार्डेशन और फिटल एनोमलिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इन एविटेबल अबोर्शन इट इज ए क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर हैव प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल है एक प्रकार का क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन है जिसमें कि जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां से प्रेगनेंसी का कंटिन्यूएशन इम्पॉसिबल होता है मीन्स प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख पाना इम्पॉसिबल होता है प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखी जा सकती ठीक है क्लिनिकल फीचर इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें इंक्रीज होती है पेन इन लोअर लोअर एबडोम पेन के साथ में होती है डायलेटेड इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स सर्विक्स का इंटरनल ओस डायलेटेड होता है थ्रू विच द प्रोडक्ट कंसेप्शन आर फेल्ट जिसके थ्रू प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल्ड आउट होता है इसका ट्रीटमेंट क्या देखेंगे हम ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जनरल मीजर्स देखते हैं क्या करते हैं हम एडमिट द पेशेंट पेशेंट को एडमिट करेंगे आई वी फ्लूड थेरेपी टू करेक्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड हाइपोवॉलीमिया ठीक है पेशेंट की जनरल कंडीशन के लिए एंड हाइपोवॉलीमिया को करेक्ट करने के लिए आई वी फ्लूड थेरेपी स्टार्ट करेंगे एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करेंगे पेशेंट को ठीक है टू करेक्ट ब्लड लॉस एंड मिथार्जिन देंगे उसको जीरो पॉइंट टू एम जी टू स्टॉप ब्लीडिंग ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए मिथार्जिन देंगे आई वी एंटीबायोटिक थेरेपी आई वी एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे क्योंकि पेशेंट को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है ठीक है सर्विक्स भी उसकी पार्शियली ओपन रहती है तो उसको इन्फेक्शन स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसलिए उसको एंटीबायोटिक थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं

डायलेटेशन सर्विस का डायलेटेशन करके एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को क्यूरेटिज के थ्रू एक्सपल आउट कर लिया कर लेते हैं एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्टेड फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करेंगे ठीक है अगर उससे उससे फिटस और प्लेसेंटा एक्सपल्ड आउट हो जाते हैं इफ़ अगर फीटस एक्सपल्ड आउट हो जाता है अगर और प्लेसेंटा रिटें अगर फीटस तो एक्सपल्ड आउट हो गया बट प्लेसेंटा यूट्रस में ही रह जाता है तो उसके लिए हम यूज़ ओवम फोरसेप तो ओवम फोरसेप्स का यूज करके हम प्लेसेंटा को भी रिमूव कर लेते हैं नेक्स्ट इज कंप्लीट अबोर्शन वन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपल्ड इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का वो कंप्लीट एक्सपर्ड आउट हो जाता है ठीक है कि यूटेर कैटी में कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नहीं रहता वो कम्प्लीटली एक्सपर्ड हो जाता है इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ ए फ्लैसी मास पर भेजाइना इसमें क्या होता है कि पेशेंट खुद ही ये हिस्ट्री देता है कि कि कुछ वेजाइना के थ्रू फ्लेसी मास का एक्सपेल्सन हुआ है ठीक है डिक्रीज एबडोमिनल पेन इसमें एबडोमिनल पेन डिक्रीज हो जाएगा वेजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस और एबसेंट वेजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस वेजैनल ब्लीडिंग कुछ दिखाई दे भी सकती है और एबसेंट भी हो सकती है स्मॉल यूट्रस एज वेल एज फर्म यूटरस स्मॉल स्मॉल होगा एंड फर्म होगा सर्वाइकल ओस इज क्लोज सर्वाइकल ओस भी इसमें क्लोज होता है देन मैनेजमेंट द इफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस शुड बी असेस्ड एंड ट्रीटेड जो ब्लड लॉस हुआ है और जिससे क्या इफेक्ट हुए हैं ब्लड लॉस होने से तो उसका भी उसको असेस करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर आई वी फ्लूड वगैरह ठीक है इफ़ देर इज डाउट अबाउट कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट यूटेर क्यूरेटी शुड बी डन अगर कंप्लीट अगर ये डाउट हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का कंप्लीट एक्सपल्सन हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको पहले यूएसजी के थ्रू फाइंड आउट करेंगे अगर नहीं हुआ है तो यूटेर क्यूरेटेज का यूज करके उसको एक्सपर्ड आउट करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट अबोशन वेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपर्ड इन ए पार्ट ऑफ इट्स लेफ्ट इनसाइड द यूटेराइन केविटी जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का का टोटल आउट नहीं होना एंड उसका कुछ पार्ट यूटेराइन कैविटी में ही रह जाना इनकम्प्लीट अबोर्सन कहलाता है ठीक है इसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन टोटली एक्सपल्ड आउट नहीं होता है जबकि कंप्लीट अबोर्सन में वो टोटली एक्सपल्ड आउट हो जाता है ठीक है इसमें कुछ पार्ट यूटेराइन कैविटी में रह जाता है इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फ्लैसी मास पर वेजाइनली ठीक है इसमें भी पेशेंट ऐसी ही हिस्ट्री देता है कि कुछ वेजाइना के थ्रू फ्लैसी मास का एक्सपल्सन हुआ है परसिस्टेंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें कंटिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है कंटिन्यूएशन ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन एंड लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगा सर्वाइकल ओस इज ओपनड सर्वाइकल ओस ओपन रहेगा स्मॉलर यूट्रस. यूट्रस की साइज इसमें स्मॉल हो जाएगी ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपल्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट एंड मास जो एक्सपल्ड आउट हुआ है प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन जो एक्सपल्ड आउट हुआ है उसको हम एग्जामिनेशन करेंगे तो वो इनकम्प्लीट मिलेगा क्योंकि उसका कुछ हिस्सा यूटेराइन केविटी में बच गया है देन इसका मैनेजमेंट देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा टेबलेट मीजो प्रोस्टेल टू हंड्रेड माइक्रोग्राम वेजाइनली एवरी टू आवरली ये टेबलेट मीजो प्रोस्टेल होती है वो टू हंड्रेड माइक्रोग्राम वेजाइना के लेटरल फोरनिक्स में रखी जाती है एवरी फोर आवरली ठीक है एंड इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा अर्ली अर्ली अबोर्शन एंड लेट अबोर्शन तो अर्ली अबोर्शन में क्या करेंगे डी एन ई मतलब डायलेटेशन एंड इवाकुएशन इफ रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंडर जी अगर कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह गए हैं तो उसके लिए डायलेटेशन एंड इवाकुएशन करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया ठीक है एंड लेट लेट अबोशन लेट अबोशन में क्या करेंगे डीएनए डायलेटेशन एंड क्यूरेटिस टू रिमूव बाइट्स ऑफ टिश्यू लेफ्ट बिहाइंड ठीक है कुछ टिश्यू रह गए हैं कुछ कंसेप्शनल पार्ट रह गया तो उसको डी एन सी के थ्रू उसको रिमूव करेंगे ठीक है एंड देन यू एस करेंगे कि जो कंसेप्शनल पार्ट है वो कंप्लीटली हमने रिमूव कर लिया है कि नहीं किया है ओके okay, थैंक्स